नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। क्या छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस वापसी करेगी या दूसरी पार्टी मार जाएगी बात? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, इसकी तैयारी को लेकर अभी से राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी, कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और आपके अब अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया यानी API ने भी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। दरअसल अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मांडरन छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे और वह लगातार सभाएं की, और वहीं छत्तीसगढ़ में आप का चुनावी दावा सबको फ्री बिजली और कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा। आम आदमी पार्टी के संयोजन व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकार बनाने पर सबको मुफ्त बिजली और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया है। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जोरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में अपनी पार्टी के लिए हुकार भरी है। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है, फिर भी यहां महंगी बिजली दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार चुनाव से पहले 2500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम बजट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में बेरोजगारी युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह भत्ता देने की घोषणा की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वित्त मंत्रालय संभालने वाले बघेल सोमवार को विधानसभा में कहा, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं 2,50,000 से कम आय वाले परिवार के युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। राज्य में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने वादे को खरा नहीं उतारने के लिए बघेल सरकार की आलोचना करती है। राज्य में अगला विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होता है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता TS सहीदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूत पार्टी और उसके संगठन में मजबूती है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। RSS के साथ होने के चलते भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए। TS सहीदेव ने कहा कि अकेले भाजपा भले ही शक्तिशाली ना हो, लेकिन RSS प्लस भाजपा इसको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रखने वाले हैं। एक एक सीट के ओपिनियन पोल के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि हर एक जिले में कितनी सीटें भाजपा को मिलेगी, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी और कितनी सीटें अन्य पार्टी को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर्धा जिले की। 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कोकेर जिले की। कोकेर जिले में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 सीटों पर भाजपा यानी कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टियों के पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कोरबा की। कोरबा जिले में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टियों के पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं कोरिया जिले की। कोरिया में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की 90 में से 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों के पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं जसपुर जिले की। जसपुर जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जागीर चंपा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल को यहाँ पर 8 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दंतेवाड़ा जिले की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर भाजपा कब्जा हो सकता है।
कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के प्रति सुपड़ा साफ रह सकता है। दुर्ग की 6 विधानसभा सीटें हैं। सभी 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी यहाँ पर 0 सीट पर अटकती पटकती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 0 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर रह सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आने की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर इस लिहाज से देखा जाए तो 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 1 विधानसभा सीट के आगे होने के नाते कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना रही है। 1 सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। धमतरी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से सभी 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। बिलासपुर जिले की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 90 में से 38 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का 21 विधानसभा सीटें मिल रही है। अन्य पार्टियों के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बात कर लेते हैं बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में सभी 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा हो सकता है। आप और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। महासमुंद जिले की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 में से आधी सीटों का ओपिनियन यानी कि 45 सीटों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 23 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। 1 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 6 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 1, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। रायगढ़ में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आप और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 90 में से 56 विधानसभा सीट का यानी कि छत्तीसगढ़ की 90 में से 56 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आने की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 30 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना रही है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 24 सीटों पर और अन्य पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना रहे हैं। रायपुर जिले में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से भाजपा यानी कि बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 2 सीटें। आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। सरगुजा की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी का राज हो सकता है। तो वे आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की 90 में से 65 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आने की जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 36 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 27 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी के ऊपर 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बन रही है। बलौदा बाजार की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बालोद की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की 90 में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। और 72 में से 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी खाते में 28 सीटें, 3 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज होने की संभावनाएं बनी हुई है। मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। बेमतराई जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आने की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो 43 सीटों पर बीजेपी यानी कि जीत के बहुत करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 31 सीटें, तो वहीं अन्य पार्टियों के ऊपर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। सूरजपुर जिले की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। गरियाबंद जिले की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की 90 में से 81 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आने की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 46 सीटों पर बीजेपी यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 32 सीटों पर अटकती पटकती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के ऊपर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। सुकमा की 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पलड़ा भारी रह सकता है। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी, तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। कोडगांव में 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1
पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात करते हैं नारायणपुर जिले की, एक विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। बीजेपी को जीरो, आपको जीरो, रणनी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बीजापुर की, एक विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। कोरेला पेंट्रो मरवाई की दो विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल के बारे में, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कि बीजेपी को 49 विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 36 विधानसभा सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।